सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज आप लोगों को जो है ना, बाव करने का तरीका सिखाएंगे, जैसे कि अदर मार्शल आर्ट्स में होता है, ताइक्वांडो, कराटे, एमएमए, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, हर एक मार्शल आर्ट्स का अपना अपना तरीक़ेकार होता है रिस्पेक्ट करने का, यानी कि बाव करने का तरीक़ेकार होता है। तो इंशाल्लाह आज आपको ताइक्वांडो का बाव करने का तरीका सिखाऊंगा किस तरीके से होता है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये ज़रूरी है बिगनर्स के लिए, जो नए आते हैं ना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट करना। आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो कोई भी आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं या करते हैं या ज्वाइन कर रहे हैं या बिगनियर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट। हर एक मार्शल आर्ट्स का अलग अलग कैटेगरी है, पर मैं ताइक्वांडो का करता हूँ तो इसीलिए मैं ताइक्वांडो का आपको बताऊँगा। ठीक है गाइस, क्या करना है? सबसे पहले आपने रूल्स होते हैं, देखिए ताइक्वांडो के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, शरत। ठीक है, ये शरत करना पड़ता है आपने, शरत कहते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या करना है, ताइक्वांडो क्या करेंगे, यूँ हल्का सा झुकेंगे, ये इसका रिस्पेक्ट का तरीका है। फिर क्या, जुम्बी पोजिशन में आते हैं, लाइक ये वाले दो हैंड ऊपर लेकर आ जाएंगे यूँ। ठीक है, लेफ़्ट वाला लेग थोड़ा सा आउट करेंगे, वापसी लाएंगे, जुम्बी पोजीशन। ठीक है, ये ताइक्वांडो का रिस्पेक्ट करने का तरीका है। फिर एक दफ़ा और बताता हूँ ताकि आपके लिए ये ज़रूरी हो, आप ज्वाइन करना, ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जितनी भी वीडियो है इंशाल्लाह बिगनर्स के लिए डालूंगा। ठीक है, एक दफ़ा और करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, शरत। शरत करने के बाद क्या बोलना है, खुनियो, हल्का सा आपके जो फुट हैं थोड़े से खुलेंगे इतने, खुनियो। उसके बाद क्या करेंगे, आप दोनों हैंड ऊपर ले आएंगे, यहाँ पंच बनाएंगे, लेफ्ट लेग थोड़ा सा आउट करेंगे, उसके बाद पोजीशन लाएंगे, इसे कहते हैं जुम्बी पोजीशन। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।